जय हिंद मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर जी मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए और लोगों के मन में मात्र भारत नहीं पूरे विश्व की दृष्टि पड़ी है भारत पे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो मैं ये बता दूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी फिर से पुनः नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी कुंडली बोल रही है। उनकी कुंडली पर अगर विवेचन किया जाए तो बहुत ही रोचक इनकी कुंडली है, जो कि वृश्चिक लग्न का है और वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक कहने का तात्पर्य इनके अधिष्ठाता देव मंगल हैं और मंगल देवमंडलों में सेनापति होते हैं। ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के और बहुत ही अक्खर स्वभाव के और बहुत ही कर गुजरने की क्षमता रखने वाले ऐसा व्यक्तित्व होता है। ऐसा ही हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की कुंडली कहती है और पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है कि जो कहता है ये व्यक्ति वो करता है, जो ठान लिया उससे फिर पीछे नहीं हटते अपने मोदी जी। तो आने वाले 24 की जो स्थिति बन रही है वहाँ भी इन्हें पुनः प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान तुरंत फिर से होना है। और साथ में इनकी कुंडली में कई चीज़ें जो कि बहुत अच्छे अच्छे कई योग हैं, राजयोग है, गजकेसरी योग है, सूर्य योग है, महालक्ष्मी योग है, इसके प्रकार इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के योग का निर्माण हो रहा है जो अलग अलग विषय पर अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में ये हाईलाइट करता है। जैसे उनके पहनावा की बात की जाए, उनकी बोलचाल की बात की जाए, उनके विल पावर की बात की जाए, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। आप याद करें, स्मरण करें कि जब जिस समय चुनाव का समय जो पहले चल रहा था, एक दिन में कम से कम 10 से भी ज़्यादा वो रैलियाँ करते थे, लेकिन उनका थोड़ा भी बाल कहीं उलझा हुआ या कपड़े में थोड़ा सिकन नहीं पाया और न ही चेहरे में कहीं मुरझावट पाई जाती थी। इसके पीछे इनका मंगल कहें, शुक्र कहें, महालक्ष्मी योग कहें या सातवें चंद्रमा कहें, इनकी शालीनता भी एक तरफ है। जितने शालीन भी हैं अंदर से अक्खड़ होने के बावजूद और साथ ही साथ कर गुजरने की क्षमता बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, अचानक सीधा परिणाम आता है। या वो मैं स्मरण करना चाहूँ या वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, नोटबंदी की बात हो, इस प्रकार से कई कार्य इन्होंने किया है जो कि पूरा विश्व देखकर स्तब्ध रह गया। वहाँ चंद्रमा की भी बात आती है कि लग्न में चंद्रमा विराजमान होना, इनकी अंदर से शांति और मंगल का होना, इनके अंदर में एक दृढ़ता का ये सूचक है। इस प्रकार से कई प्रकार के योग बनते हैं। तो मैं ये बता दूं कि 2024 में ये पुनः प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान पुनः होंगे, पूरे विश्व की दृष्टि है, और 2028 तक इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरा तात्पर्य नहीं कि 28 के बाद किसी प्रकार की मैं घोषणा कर रहा हूँ, पर इनके कुंडली की जो स्थिति बन रही है 2028 तक निरंतर इनका बहुत ही मजबूत स्थिति चल रही है। इसके बाद स्वयं भी कह दिया इन्होंने कि एक उम्र के बाद 70 के बाद ये फिर संन्यास लेंगे, कुछ बातें हम लोग समय पर भी छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तक ये बातें हैं। बाकी प्रधानमंत्री को पूरे देश की तरफ से, मैं भी एक नागरिक होने के नाते, उनके उत्तम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपके नेतृत्व में पूरा देश पूरे विश्व में एक अपना स्थान हासिल किया है और सबसे बड़े नेता के रूप में आज आप देखे जा रहे हैं पूरे विश्व के पटल पर। तो आप स्वस्थ रहें और भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर ले जाने में आपकी अहम भूमिका रहे, ऐतिहासिक भूमिका जैसे चल रही है चले, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।